नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं अभय प्रियदर्शी। राजद सांसद मनोज झा ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कई खुलासे किए और कहा कि नीतीश सरकार जो है यह पूरी तरह से करप्टेड सरकार है। 5 मंत्री और 5 जो बड़े अधिकारी हैं वो उन्हीं को सीएम नीतीश कुमार अपना परिवार मानते हैं। बड़ा हमला बोला मनोज झा ने, और साथ ही यह खुलासा करते हुए कहा कि अगर हम सरकार में आते हैं, तेजस्वी सत्ता में आते हैं, तो तेजस्वी विशेष राज का दर्जा दिलवाएंगे। जी हां, विशेष राज दर्जा अगर केंद्र सरकार नहीं देती है तो तेजस्वी यादव आमरण अनशन पे चले जाएंगे। साथियों का महागठबंधन की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव परवान चढ़ चुका है, और चूंकि चुनाव परवान चढ़ चुका है तो कुछ मुद्दों को आपके साथ साझा करना, ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। इसको दोबारा दोहराने की इसलिए आवश्यकता है कि कई तरह के भ्रम और भ्रांतियों के बीच में बिहारवासी, हमारे जो बिहार के वोटर्स हैं, वो सब समझते हैं लेकिन सुन रहे। मुझे सर्वप्रथम ये बात कहनी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा के लोग, अगर नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि हम 10 लाख लोगों को पहली कलम से रोजगार देंगे, इसका तो स्वागत होना चाहिए ना। ये हर बिहारी को प्रभावित करने वाली बात है। हर घर तक लगभग कहीं ना कहीं इसके निशान जाएंगे पॉजिटिव। मैं तो उम्मीद करता था, और उम्मीद के पीछे एक भरोसा था कि हम अलग अलग राजनीतिक दलों में भले हों, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बिहार और बिहारियों के सरोकार को हम कितना पुख्ता कर पाते हैं। उसमें मैं समझता हूं कि हमारे विपक्ष के लोग, हमारे जो सत्ताधारी दल हैं, जदयू हो, भाजपा हो, वो थोड़ी कंजूसी दिखा रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार मिले? आप पूछते हैं कैसे दोगे 4.5 लाख? तो जो बार बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कह रहे हैं, 4.5 लाख तो उपलब्ध रिक्तियां हैं आपके ही फाइलों के अनुसार। और अगर मैं रेशियो लू, अनुपात लू, चाहे डॉक्टर पेशेंट का हो, नर्स पेशेंट का हो, स्टूडेंट टीचर का हो, पुलिस कांस्टेबल और आबादी का हो, और वगैरह वगैरह सारी चीजों को जोड़ू, तो वो तकरीबन 5,60,000 होता है। तो आंकड़ा 10 लाख से ऊपर का है। आप कहते हो कैसे होगा? साहब, पॉलिटिकल विल चाहिए। आप में पॉलिटिकल विल की कमी है। आप थकान की ढलान पे, आप कह दीजिए आपसे नहीं हो रहा। पैसों की नहीं बात, विल सबसे बड़ी चीज होती है। पैसे मैनेज हो सकते हैं, 60 घोटाले हुए हैं, 30,000 करोड़ तो वहीं अटका हुआ है। एक एक को निकालेंगे तो क्या क्या नहीं हो जाएगा, और सब निकलेगा। दुर्भावना से नहीं कह रहा हूं, सरकार बदलते ही बिहार वासियों के एक एक पैसे का हिसाब होगा, ये मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। संविदा से बिहार के रोजगार और बिहार के कर्मी मुक्त हों, क्या आप नहीं चाहते? क्या भाजपा जदयू के लोग, क्योंकि तो संविदा में अनिश्चितता होती है। कोई भी व्यक्ति जो नौकरी करता है वो अनिश्चितता के अंधेरे में नहीं रहना चाहता, वो निश्चिंत होना चाहता है। आप क्या चाहते हैं वो ना हो? बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा कि हर राज्य में हम कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र खोलेंगे। अब आप पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? हम आप सब ने, आपके टेलीविजन चैनल्स ने, वीडियो प्लेटफॉर्म ने, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने दिखाया हमारे मजदूर भाइयों की पीड़ा। सड़क पर बिखर रही थी सूटकेस पे बच्चा चल रहा था, खाली पैर छाले पड़ गए, रेलवे लाइन पे, ट्रैक पे लोगों की मौत हुई। नेता प्रतिपक्ष को, हमारे दल को लगा कि पलायन जब तक हम पूर्णतः नहीं रोक लेते हैं, ऐसे कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र हर जगह बनाएंगे, चाहे कोरोना जैसी मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई नेचुरल इमरजेंसी हो, वहां हम अपने बिहार के भाइयों बहनों को कोऑर्डिनेट करके, इस सरकार की तरह से नहीं कि हम लाने में असमर्थ हैं। आप जानो, हम किसी को आने नहीं देंगे। अरे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे घर रहें सुरक्षित रहें, तो क्या घर सिर्फ 5% मुट्ठी भर लोगों का घर होता है? गरीब का घर घर नहीं होता है, गरीब का दर्द दर्द नहीं होता है। अगर इस तरह की राजनीति होगी, आपको मुबारक, हमारी राजनीति में ऐसी जगह नहीं। अब एक विषय और मैं कहना चाहता हूं,
मुझे बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, आपसे साझा करना पड़ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी वैचारिक संतुलन तो 17 में खो बैठे, अब थोड़ा भाषाई संतुलन भी खो रहे हैं। आप उनकी जुबान देखिए, नेता प्रतिपक्ष कभी भी नीतीश जी या नीतीश बाबू के अलावा कुछ नहीं बोलते। मुख्यमंत्री जी की जुबान क्या है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा बोलता है, ये तू तड़ाक की जुबान बिहार में कभी नहीं बोली गई। ये हमारी जुबान ही नहीं है, ये हमारी भाषा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल और मुख्यमंत्री जी चुनाव की गर्मी है, आप थोड़े हताश भी हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे आग्रह है, राजनीति में लोक जीवन में भाषाई मर्यादा बहुत आवश्यक है। हर चीज पे बात होगी, पलायन पे भी बात होगी कि पलायन की दर 2005 तक क्या थी, 2005 के बाद क्या होगी। हम बड़े बुरे लग रहे हैं आजकल आपको भाषणों में, लेकिन साहब इन्हीं बुरे लोगों के पास आप चल के आए थे, वो तो लालू जी का विशाल हृदय था। जब भाजपा ने आपको अपमानित किया, उन्होंने आपको गले से लगा लिया पुराने दिनों की दरकार करते हुए उसके सरोकार पर। लेकिन खैर, वो आपके संभवतः आपके परसोना में नहीं है, आपके व्यक्तित्व में नहीं है। 1.5-2 साल के अंदर आपने वो कर दिया जो समकालीन राजनीति में हमने कहीं नहीं देखा। अब आइए माननीय मुख्यमंत्री जी 3C की बात करते हैं। क्राइम, मुजफ्फरपुर की बच्चियों की चिंकार को चुप्पी, अपहरण फिरौती, आंकड़े दिखाऊं, मैं अपने आंकड़े नहीं बता रहा, NCRB का डेटा लीजिए, सामने रखिए ना आंकड़े। बिहारवासी जानते हैं कि हम नेगेटिव कैंपेन नहीं चाहते, बिल्कुल बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत कोशिश हो रही है भाजपा जदयू की तरफ से कि कैंपेन जो हो ना बिहार के मुद्दे पे ना हो, बिहारियों के सरोकार पे ना हो, उनकी भुखमरी पे ना हो, उनके रोजगार पे ना हो, कृषकों के सरोकार पे ना हो, महिलाओं की सुरक्षा पे ना हो। शमशान में विवाह की गीत मत गाइए नीतीश जी और भाजपा के लोग, हम इस मौजूदा हालत को कंप्लीट उसमें तब्दीली चाहते हैं और उसी दिशा में काम कर रहे हैं। आपका टोटल सुबह से शाम आप नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तू तड़ाक की जुबान में, हम कभी शामिल कर जाएंगे, चुनाव है, आएंगे जाएंगे, सरकार हमारी बनेगी, लेकिन अपने प्रतिपक्ष के लोगों के लिए ये जुबान कभी नहीं बोलेंगे कि तू तड़ाक, तू तड़ाक। ये बिहार की जुबान ही नहीं है, मगही हो, भोजपुरी हो, अंगिका हो, मैथिली हो, कोई भी जो भाषा है बच्चिका हो, उसमें तू तू, वो ऐसा करता है, वो ऐसा बोलता है, ऐसा नहीं करता। एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब साहब भी थे, सुशील मोदी जी भी थे। नायब साहब ने कहा सुल्तान से कि 10 लाख वाली बात में बोल दीजिए, सारे वीडियो चैनल से आए। उन्होंने यूं करके कहा कि हास्यास्पद है, अगर युवाओं को रोजगार मिलना हास्यास्पद, आपकी राजनीति का अवसान हो गया। अगर संविदा कर्मियों को नियमित करना अगर हास्यास्पद है, आपकी राजनीति का अवसान हो गया। अगर आशा कर्मी, रसोईया, जीविका, स्वयं सहायता समूह, उनको एक रेगुलर नियमित स्केल में लाने की बात, स्थायी करने की बात है, अगर आपको यह हास्यास्पद लगता है, आपकी राजनीति हास्यास्पद हो गई। अगर आपको नियोजित शिक्षकों के सरोकार को शामिल करना, उस पर कमिटमेंट करना नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, अगर आपको हास्यास्पद लगता है, आपकी राजनीति बिल्कुल उस मुहाने में पहुंच गई है जहां अंधा दीवार है। हम लोगों ने पूरी कमिटमेंट की है, 2 दिन बाद संभवतः आपके पास हम अपना भी एक्सक्लूसिव मैनिफेस्टो लेके आएंगे। अभी हमने संकल्प दिया है जो सारे महागठबंधन का साझा संकल्प था, 60-70% बढ़ोतरी मानदेय में होने जा रही है। हर जिले में 2-3 सिमुलतला के मॉडल के स्कूल बनाने जा रहे हैं। और जानते हैं इसके लिए कुछ नहीं, पैसे तो इनके खर्च नहीं होते हैं, क्योंकि जितना घोटाले में खर्च है उतना ही खर्च है, घोटाले के बाहर का पैसा वापस आ जाता है, हम वापस नहीं होने देंगे। और नेता प्रतिपक्ष का मानना है एक बार भी सरकार में है तो हम दिल्ली अपने मान सम्मान को भी ताक पर रखकर बिहार के मान सम्मान के लिए
केंद्र की सरकार के सामने बैठ जाएंगे, कहेंगे बहुत हो गया बिहार को फुटबॉल बनाना, हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, हम विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा होना चाहते हैं, हमें जुमलेबाजी नहीं चाहिए, हमें इतने दूर या उतने दूर मता को कितने दूर वो वाली दीवान नहीं चाहिए, हमें चाहिए सॉलिड कमिटमेंट। और वो तब तक नहीं होगा जब तक हम, मैं समझता हूँ कि हम विशेष राज्य का दर्जा, और उसके लिए आमरण अनशन पर बैठना पड़े तो नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री बनने के पश्चात बैठे। एक आखिरी टिप्पणी करके अपनी बात खत्म करूंगा, फिर सवाल लूंगा, फिर बिल्कुल सवाल लूंगा। आखिरी टिप्पणी, आज औरंगाबाद की सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नारे लगे। माननीय मुख्यमंत्री, और मैं व्यक्तिगत तौर पर, हमारे दल का मानना है, हमारे दल का सामूहिक विश्वास है कि पॉलिटिकल रैली में इस तरह की कोई चीज होती है वो उचित नहीं है, वो अशोभनीय है। हर दल को, हर नेता को कैंपेन करने का हक है, उसमें बाधा ना हो। लेकिन जब वो स्वर उभर रहे थे, उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा, उधर क्यों दिखा रहे हो, उधर मत दिखाओ। अब आप सोच के देख सकते हैं कि वो स्वतंत्रता भी अगर छीन ली जाए तो बड़ी मुश्किल है। कल ही समस्तीपुर से एक वीडियो फुटेज आया, एक मंत्री जी को ग्रामीण न जाने क्या समझा, अच्छा नहीं लगा, ये उचित नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि आक्रोश, इसको समझिए, लोकतंत्र में जब जनता आक्रोश व्यक्त करती है ना तो उसकी आवाज है। सुनिए, अगर आपके पास 10 लाख रोजगार का प्रपोजल लेके आए हैं तो ब्लूप्रिंट पहले तैयार हुआ है, समझ गए, ब्लूप्रिंट पहले तैयार है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस राज्य में वही पैसे खर्च होते हैं जो बने पुल को दोबारा बनाना पड़े, बनी सड़क को दोबारा बनाना पड़े, यानी एस्टिमेट होता है, उसमें जितने पैसे जाते हैं और जो पैसे वापस कर दिए आते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि हर विभाग का एक मानदंड है, आप लोग खुद भी पता कर लीजिए, कितनी आबादी पर कितनी पुलिस फोर्स चाहिए, कितने स्टूडेंट पे कितने टीचर चाहिए, कितने पेशेंट पे कितने डॉक्टर चाहिए। और ये ग्राम पंचायत, बल्कि गांव से शुरू होता है, पीएफसी से, एक बार अगर कोई रफ आकलन कर लेगा ना तो मैं समझता हूं कि वो कभी सवाल ही नहीं खड़ा कर सकता। हाँ, सवाल वो खड़ा करेंगे जो बिहारियों के पक्ष में खड़े नहीं हो सकते। बहुत आत्मनिर्भर बना दिया प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने, सड़क पे झोला लेकर के, सामान लेकर के पूरा बिहार, मुंबई से, गोवा से, कर्नाटका से, गुड़गांव से, दिल्ली से चलता रहा, सुनने वाले को नहीं मिले, तो वो एक आत्मनिर्भर है। दूसरा, हमको पिछली बार का भी याद है, 1,75,000 करोड़ पता करिए कहा, अगर आए तो बिहार में तो किसी को नहीं दिख रहा, दिखना तो चाहिए ना। तो आत्मनिर्भर बिहार स्लोगन, ऐसा कैसे हो सकता है कि माल पूरा बाहर से मंगाइए, कहीं आत्मनिर्भर, अगर बापू कहीं सुन रहे होंगे इनकी आत्मनिर्भरता की परिभाषा तो वो कहेंगे कार क्यों प्रतिदिन 30 जनवरी बना रहे हो। जब राबड़ी देवी जी हमारी मुख्यमंत्री थी, अटल जी आए थे साथ में, नीतीश जी और जो उनके अभी नायक साहब सुशील मोदी जी, वो भी अटल जी के सामने आंचल फैला करके गांधी जी ने कहा, ये दीजिए। अटल जी एक लेवल पर भावात्मक रूप से मान रहे, अब एयरपोर्ट जाते वक्त दोनों ने संभवतः कहा अटल जी से कि सारा क्रेडिट तो आरजेडी और रवि जी को दिया है। तो जब बिहार के सरोकार को आप क्रेडिट स्कोर में तब्दील कर देते हैं, देखिए क्या हासिल किया मेरे मुख्यमंत्री जी ने, कहा तो फुटबॉल की तरह उछालते थे, आज नतमस्तक हो चुके हैं, ऐसे नतमस्तक कि जिन विषयों पे कहते थे कभी समझौता नहीं। हम, किसने नहीं देखा वो वीडियो, मिट्टी में मिल जाऊंगा, मैं नहीं चाहता हूँ मिट्टी में मिले, उसके बाद कह रहे हैं भाजपा में नहीं जाऊंगा। अब क्या है, ऐसे व्यक्ति जो 2 वर्ष भी अपनी बात न बना कर रखे तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए आपको कहता हूँ कि हमारे लिए ये कहानी उस वक्त शुरू हुई थी, और इस कहानी को इसके मुकम्मल अंजाम तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ले जाएंगे महागठबंधन की सरकार। खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। नमस्कार।